दोस्तों, मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ स्टूडियो मास्टर का डायमंड क्लब 12.2 मिक्सर। इसके मैं कनेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा कि कनेक्शन कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक DD3 से कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो DD3 ली और DD3 में दो पिन, इसकी जो आउटपुट है वो हमने अटैच कर दी, इसको चालू कर दिया। इसमें भी एक पावर सप्लाई के लिए एक पिन होती है, पीछे देखिए इसको, तो यहाँ पर इसको हमने लगा दिया। दोनों को लिया, सीधे सीधे कनेक्शन हमें करना है। दोनों को लाएंगे, वो यहाँ देखिए, यहाँ पे दो हैं, ये है ऑक्स सेंड और ये है ऑक्स रिटर्न। तो इसमें हम एक ऑक्स सेंड में लगा देंगे और ऑक्स रिटर्न में लगा देंगे, ठीक है। अब हमारा ये दोनों जो हमने लगाई हैं उल्टी लगी हैं, सीधी ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। पर ने इसको बिना देखे हुए इसको लगा दिया। अब इसको सीधे हम इसको आउटपुट निकाल के एम्पली में लगा देंगे। ऑक्स वन में उसको डाल दिया, आहूजा का है 250 वाट। इसके बाद में हमने इसको ऑक्स वन को खोल दिया है यहाँ से। इसके बाद ऑक्स वन को खोलने के बाद हमने मास्टर खोल दिया और ये कर दिया। अब देखिए, हम इसको चालू करते हैं और फिर हमने मिक्सर को चालू करने के बाद देखते हैं, चेक करते हैं। अब हमने मिक्सर को यहाँ से लगा दिया, ये माइक लगा दिया इसमें, हेलो, तो ये चालू हो गया है। लेकिन इसमें देखिए बिल्कुल इको नहीं आ रही है। तो जो DD3 से जो हमने कनेक्शन किया है, ये DD3 की सेटिंग देख लीजिए आप थोड़ी, किस तरह से आपको वॉल्यूम रखना है और फिर अपनी आवश्यकता अनुसार आप कैसा भी इसको रख सकते हैं, चला के देखेंगे। तो इस तरह से आप अभी चेक करने के लिए इस टाइप से आप कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे जो है 800 ms, यानी जो हमारा जो इस लास्ट वाला स्विच है, ठीक है, ये जो मोड चेंज होता है जिससे, तो ये मोड जो हम चेंज करेंगे वो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको 800 ms पे रखना है और सेटिंग इस टाइप से रखनी है, ठीक है। दोनों पिनों को लगाकर हमने मिक्सर में लगा दिया है। और इसके लगाने के बाद, इसको लगाने के बाद हमने क्या किया है कि अब हम इसको चालू करते हैं। तो देखिए, चालू करने के बाद हमने उसको देखा कि इसमें इको बिल्कुल नहीं आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, यानी बिल्कुल ज़्यादा साउंड की आवाज़ आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए हमें पता ही नहीं है कि इनपुट कहाँ है लगता है और आउटपुट कहाँ लगता है। DD3 पे जो लिखा है, यदि आपसे गलती हो जाती है तो इसको आप क्या करेंगे, आप सीधी सीधी बात, ये दोनों पिन देखिए मिक्सर में जो हमने लगाई थी, इसको आपस में पलट दीजिए। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आगे की पीछे लगा दीजिए और पीछे की आगे लगा दीजिए। देखिए, इको आ गया है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इनपुट कहाँ है, आउटपुट कहाँ है, कहाँ जाएंगे, आप लगा दीजिए सीधी। और लगाने के बाद आप इसको आपस में, यहाँ देखिए मिक्सर पे, इन दोनों को ऑक्स सेंड और रिटर्न को वॉल्यूम इस तरह से रखेंगे। DD3 के इको नहीं आता है तो ये चेक करेंगे कि हमारी DD3 से ये खुली हुई है वॉल्यूम, अगर नहीं तो उसको खोल देंगे। इसके बाद में जो मिक्सर है, मिक्सर में देखिए जो हमारा एलो वाला जो वैल्यूम है, इसको भी हम खोल देंगे। अगर ये भी खुला है, इको नहीं आ रही है, तब हम इन दोनों को, ऑक्स और सेंड को, दोनों को पलट देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए और 2 सेकंड में हम अपनी सेटिंग को दुरुस्त कर सकते हैं। इसके बाद तो दोस्तों, इस तरह से हम इस मिक्सर के साथ DD3 को कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में आपको बताया। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हम आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियो लाते रहेंगे और इनकी सेटिंग के बारे में आपको बताते रहेंगे। और जो हमारी पिछली वीडियो मिनी ATU का जो वीडियो डाला था, आप लोगों ने उसको बहुत ही पसंद किया और बहुत ही अच्छा सब लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वीडियो हम आपके लिए फिर लेके आ रहे हैं नई, जिसमें आपका जो बेस की प्रॉब्लम है, जो ढोलक होता है उसका बेस की प्रॉब्लम है, उस बेस की प्रॉब्लम के बारे में आपको बताएं, एक सेटिंग बताएंगे, उसको करके आप देखिए, तो हो सकता है कि आपको उससे बहुत ही हेल्प मिले, कि आप कहीं
जो आवाज़ फटती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।